टेक्सटाइल नगरी सूरत की भूमि पर हिंदी दिवस समारोह 2022 तथा द्वितीय अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन के संयुक्त आयोजन के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर विराजमान भारत की सुरक्षाओं को अखंड रखने वाले कुशल संगठक केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित भाई शाह साहब, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री निशित प्रमाणिक जी, श्री अजय मिश्रा जी, विदेश एवं शिक्षा राज्य मंत्री श्री डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, केंद्रीय रेल राज्य मंत्री श्री दर्शामेन जरतोस, मेरे साथी मंत्री श्री हर्षभाई संघवी, सचिव श्री अंशुली आर्या, आमंत्रित सभी महानुभाव, प्रेस मीडिया के मित्रों और आप सबको मेरा नमस्कार। साथियों, 7 दशक पहले हमारे संविधान के सर्जकों ने 14 सितंबर के दिन हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। उस ऐतिहासिक दिन को फिर हमने हिंदी दिवस के रूप में एक राष्ट्रीय उत्सव बना दिया है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश स्वतंत्रता के 75 साल आजादी के अमृत महोत्सव के रूप में मना रहा है। तब एक सुभग ये भी है कि गुजरात में हिंदी दिवस भी उन्हीं के प्रेरणा से आज मनाया जा रहा है। इस उत्सव में सभी भारतीय भाषाओं के लोग एक साथ मिलकर हिंदी का सम्मान करने हृदय पूर्वक जुड़ जाते हैं। गुजरात के लोग की मातृभाषा गुजराती है, अन्य राज्यों के लोगों की अपनी भाषाएं हैं। देश की सभी भाषाएं समृद्ध है, प्यारी हैं, लेकिन भारत के लोगों ने हमेशा हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में विशेष प्रेम और आदर दिया है और आज भी दे रहे हैं। अपनी मातृभाषाओं पर गौरव के साथ राष्ट्रभाषा हिंदी का सम्मान यह भारतीयों की विशेषता है। इसीलिए हमारे यहाँ कवियों ने भी कहा है कि हिंदी तो भारत के भाल की बिंदी है। मातृभाषा भले ही हम सभी की अलग हो, पर हमारी राष्ट्रभाषा तो एक ही है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने हमें सबका साथ सबका विकास सूत्र दिया है। यह सूत्र भी इसी अनेकता में एकता की भावना को व्यक्त करता है। गुजरात और गुजराती भाषा के साथ हिंदी भाषा का संबंध विशेष है। हमारे सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में देश की आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में आयोजित यह कार्यक्रम गुजरात की धरती पर हो रहा है। गुजरात की धरा से 19वीं सदी में उत्तराद में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के प्रचार के लिए और अपने विचारों को पूरे देश को कोने कोने तक पहुंचाने के लिए सत्यार्थ प्रकाशक को हिंदी में लिखा। गुजरात और गुजरातियों हिंदी को हमेशा अपने हृदय के नजदीक पाए हैं और इसका कारण भी है कि न केवल गुजराती और हिंदी लिपियां आपस में जुड़ी हैं, बल्कि गुजराती का साहित्य भी हिंदी से साहित्य से बहुत गहराई से जुड़ा हुआ है। गुजराती और हिंदी भाषाएं संस्कृत के भाषा कुल से आई हुई भाषाएं हैं। दोनों भाषा के शब्दों और लिपियों में समानता तो है ही, पर दोनों के संगम की सुंदरता भी अपार है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रेरणा से देश ने अमृत काल में प्रवेश किया है। इस ऐतिहासिक गौरव की क्षण में प्रधानमंत्री जी ने हमें आह्वान दिया है कि हम अपनी संस्कृति पर, अपनी भाषाओं पर, अपनी विरासतों पर गर्व करें। हिंदी भाषा हमारी समृद्धि विरासत का जीवन गौरव है। हमें इसके गौरव गान करना है। यह हम सब के लिए आनंद और गौरव की बात है कि आज विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं में हिंदी चौथे नंबर पर है।
यह इस कार्यक्रम में हिंदी के गौरवगान भाषा सांस्कृतिक विकास के साथ साथ चर्चा विमर्श के माध्यम से हिंदी के उपयोग को बढ़ावा देने पर भी चर्चा होने वाली है। इस सुंदर आयोजन के लिए मैं राजभाषा विभाग को हृदय पूर्वक बधाई देता हूँ। आइए हम साथ मिलकर प्रधानमंत्री जी के आह्वान को उत्साह से स्वीकार ले और माँ भारती के विश्व गुरु पद पर विराजमान करने के लिए अविरत श्रम का मार्ग ले। हम सब साथ मिलकर हिंदी के गौरव और समृद्धि को बढ़ाए। फिर एक बार सभी पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देते हुए मैं अपनी बात यहाँ ही पूर्ण करता हूँ। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय जय गरवी गुजरात। बहुत धन्यवाद श्रद्धेय मुख्यमंत्री गुजरात सरकार। हालांकि समय का अतिक्रमण, लेकिन मैं एक सेकंड में एक बात जरूर कहना चाहता हूं। मान्यवर, गुजरात की भूमि ने अनेक संत दिए जिन्होंने राजभाषा हिंदी के प्रचार प्रसार में अभूतपूर्व योगदान दिया। एक और संत हैं, बापू हैं, पटेल हैं, दयानंद सरस्वती हैं, बहुत सारे हैं, सूची लंबी है, समय नहीं है। लेकिन एक संत और इस धरती ने दिए, इस भूमि ने दिए, इस राज्य ने दिए, इस प्रदेश ने दिए, वो संत हैं भाई नरेंद्र दामोदर दास मोदी, जिन्होंने हिंदी को एक अभूतपूर्व दिशा दी। और हमें कहने में बड़ा गर्व है, एक और संत हैं जिन्होंने राजभाषा हिंदी को इस रूप में दे दिया कि एक सीमित सीमा विज्ञान भवन से बाहर आकर आज हम 9,500 लोगों के बीच में हिंदी दिवस मना रहे हैं, और वो महान संत है अमित शाह। ऊंची करतल ध्वनि होनी चाहिए इस क्षण के अभिवादन के लिए। आओ अपने पन की बात करें कुछ, मन उपवन की बात करें कुछ, महक उठे ये सारी बगिया, ऐसे शब्द सुमनों की बात करें कुछ। श्रद्धे अमित शाह जी। मंच पर उपस्थित गुजरात राज्य के सम्माननीय मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेंद्र भाई पटेल, राजभाषा का काम मेरे साथ देखने वाले गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा जी, निषिद्ध प्रमाणिक जी, सूरत की ही सांसद जो आज हम सब की मेजबानी कर रही है, और रेल राज्य मंत्री श्रीमती दर्शनाबेन जरदोस जी, हमारे शिक्षा राज्य मंत्री श्री राजकुमार रंजन जी, मेरे साथ उपाध्यक्ष संसदीय राजभाषा समिति के उपाध्यक्ष हैं श्री भर्तृहरि मेहताब जी। मैं एक बात बीच में बताना चाहता हूं कि मैं पदेन अध्यक्ष हूं, भर्तृहरि जी उपाध्यक्ष हैं। हम दोनों हिंदी नहीं बोली जाती है ऐसे राज्य से आते हैं। मैं गुजरात से आता हूं, वो उड़ीसा से आते हैं। गुजरात के दमदार और यशस्वी गृह मंत्री भाई हर्ष संघवी जी, हमारी सचिव बहन अंशुली आर्या जी, और आज सूरत नगरी में यहाँ पर आए हुए सभी राजभाषा प्रेमियों को मेरा मन से प्रणाम नमस्कार। सबसे पहले तो मैं देश और दुनिया के सभी हिंदी प्रेमियों को आज हिंदी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। हम सब के लिए संविधान सभा के निर्णय को सिर्फ याद करने का दिन नहीं है। मोदी जी ने कहा है कि 75 साल से 100 साल ये जो अमृत काल है, इस संकल्प लेने का और संकल्प की सिद्धि करने का समय है। हम सब ने
पूरे देशवासियों ने संकल्प लेने की जरूरत है कि 25 साल के अंदर हमारा देश कोई भाषा की लघुता ग्रंथि से मुक्त होकर हमारी स्वभाषाओं में देश का विकास करेगा और देश को दुनिया के सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाएगा। हमारी राजभाषा, हमारी स्थानीय भाषाएं विश्व की सबसे समृद्ध भाषाओं में, और जब तक हम ये बात का संकल्प नहीं करते कि इस देश का शासन, इस देश का प्रशासन, इस देश का ज्ञान, इस देश का अनुसंधान हमारी भाषाओं में होगा, राजभाषा में होगा, तब तक इस देश की क्षमताओं का हम उपयोग नहीं कर सकते। मित्रों, ये सब चीजों को आज संकल्पित करने का दिन है, इसलिए मैं देश भर में, दुनिया भर में फैले हुए हिंदी प्रेमियों को, राजभाषा प्रेमियों को कहना चाहता हूं, कैसा मत समझिए कि राजभाषा के विस्तृत करने का, राजभाषा को आगे बढ़ाने की लड़ाई जो है वो हम पीछे छोड़ चुके हैं। मौका ही अब आया है ये लड़ाई को आगे बढ़ाने का, मौका ही अब आया है ये लड़ाई को जीतने की स्थान पर ले जाने का। मित्रों, आज सूर्यपुत्री ताप्ती के किनारे पर इस विशाल सभागार में हिंदी सम्मेलन को देखकर, राजभाषा सम्मेलन को देखकर मन को बड़ा आराम मिलता है। हिंदी के इस सम्मेलन के लिए, राजभाषा के इस सम्मेलन के लिए हमने सूरत का चयन इसलिए किया था, दो कारण थे। एक तो सूरत वीर नर्मद की भूमि, वीर नर्मद ने शायद देश में सबसे पहले अपनी भाषाओं के महत्व को उजागर किया था। उन्होंने देश भर में अपनी भाषाओं में इस देश का व्यवहार हो, इसका आग्रह रखा। उन्हें पूरे गुजराती लोगों को एक स्वप्न दिया था गर्वी गुजरात का, और उसके साथ साथ उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले कहा था इस देश का शासन, इस देश का व्यवहार ये हिंदी में चलना चाहिए, कोई विदेशी भाषा में नहीं चलना। ये वीर नर्मद की भूमि है, और दूसरा ये सूरत उत्साह की भूमि है, ये सूरत मनोरथ रखने वालों की भूमि है, और ये सूरत मनोरथ सिद्ध करने वालों की भी भूमि है। इसीलिए सूरत को हमने तय किया था। पहले काशी में गए थे, यहाँ खड़ी बोली से हिंदी का आज का स्वरूप लाने में काशी का बहुत बड़ा योगदान रहा, और आज सूरत आए हैं जहाँ वीर नर्मद के 1900 के पहले के संकल्प को चरितार्थ करने का संकल्प हमने करना है। मित्रों, महात्मा गांधी ने राजभाषा के लिए एक ही वाक्य में बहुत सुंदर उसकी जरूरियात का व्याख्यान किया था। उन्होंने कहा था, राजभाषा हिंदी के बिना ये राष्ट्र गूंगा है, हिंदी ही राष्ट्र को बोलता कर सकती है। बहुत बड़ा वाक्य है, हमारी स्वभाषाओं के गौरव को महात्मा गांधी ने एक ही वाक्य से पूरे विश्व के सामने रखने का काम किया। और मैं आज कहता हूं मित्रों, हिंदी हमारे मन की भाषा है, हिंदी हमारे राष्ट्र प्रेम की भाषा है, और हिंदी आम हिंद के जन की भाषा है, आम जन की भाषा है, हमें इसको आगे बढ़ाना है। मित्रों, आज आजादी का अमृत महोत्सव है, तब मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मोदी जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लेकर जो आए हैं, इसका हम सब जरूर बारीकी से इसका अध्ययन करें, इसकी आत्मा क्या है इसका अध्ययन करें। मोदी जी ने नई शिक्षा नीति में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर
सबसे बड़ा भार अगर किसी चीज पर दिया है तो उस पर दिया है कि प्राथमिक शिक्षा और इसके आगे की शिक्षाओं में भी स्वभाषा का सबसे बड़ा उपयोग होना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा स्वभाषा में ही। इसके आगे बढ़कर कहा, अनुसंधान के क्षेत्र में भी स्वभाषा का उपयोग होना चाहिए। कोटों की भाषा, मेडिकल विज्ञान की भाषा, तकनीक की भाषा और इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रम स्वभाषा में रूपांतरित होकर आने वाले दिनों में इसका अनुसंधान भी स्वभाषा में हो, राजभाषा में हो, इस दिशा में ले जाने का उन्होंने बीज नई शिक्षा नीति के अंदर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंदर बोया है। और मित्रों, मुझे भरोसा है कि आजादी का शताब्दी जब ये देश मना रहा होगा, तभी जो बीज मोदी जी ने 2020 में बोया है, एक वट वृक्ष बनकर इस देश की सभी भाषाओं को पल्लवित करकर भाषा के क्षेत्र में भी हमें आत्मनिर्भर बनाएगा। मित्रों, स्थानीय भाषा और हमारी हिंदी, ये हमारे सांस्कृतिक धारा प्रवाह का प्राण है। हमारी संस्कृति को, हमारे इतिहास को और आने अनेक पीढ़ियों से हमारा जो साहित्य सर्जन हुआ है, इसकी आत्मा को अगर समझना है तो राजभाषा को सीखना ही पड़ेगा। अगर इसकी आत्मा को समझना है तो हमारी स्थानीय भाषाओं को मजबूत बनाना पड़ेगा। और राजभाषा और स्थानीय भाषा मिलकर पूरे देश के मन में से ये भाषा की ये लघुता ग्रंथि को जो अंग्रेजों ने निर्मित किया है, उसको उखाड़ कर फेंकने का समय अब आ गया है। इसलिए आज का दिन जो देश को हर क्षेत्र में स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, देश को हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लोकमान्य तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसका जयघोष किया। अगर तिलक महाराज को कोई ध्यान से समझता है और तिलक महाराज के सारे भाषणों को ध्यान से अगर किसी ने पढ़े हैं तो वे रोक टोक तिलक महाराज की स्वराज की कल्पना का व्याख्या कर सकता है। तिलक महाराज के स्वराज की कल्पना में सिर्फ शासन में परिवर्तन नहीं था, शासन तो परिवर्तित हो ही, इस देश का शासन इस देश के लोग ही करे, वो तो एक प्रमुख मांग थी, परंतु उसके साथ साथ स्वभाषा, स्वधर्म, स्वसंस्कृति, इसके लिए भी स्वराज की मांग तिलक महाराज ने उठाई थी। और आज मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में देश जिस रास्ते पर चल रहा है, वो रास्ते पर तिलक महाराज के स्वराज की परिकल्पना को हम सार्थक करेंगे और देश उसी रास्ते पर चलेगा। मैं आज राजभाषा दिन के मौके पर देश के युवाओं को भी कहना चाहता हूं, भाषा क्षमता की परिचायक नहीं है, भाषा अभिव्यक्ति है। क्षमता आपके अंदर पड़ी है, आपकी क्षमता का परिचय किसी भाषा का मोहताज नहीं है। देश के युवा भाषा की यह लघुता ग्रंथि से दूर निकले, अपनी स्वभाषा को स्वीकारे और स्वभाषा को आगे ले जाने का काम करे, अपनी राजभाषा को स्वीकारे और राजभाषा को आगे ले जाने का काम करे, बहुत जरूरी है। जब तक देश का युवा अपनी क्षमताओं के आधार पर अपनी भाषा में अपने मौलिक चिंतन की अभिव्यक्ति नहीं करेगा, वो कभी भी अपनी क्षमताओं को पूर्णतया समाज के सामने नहीं रख सकता, क्योंकि अपने मौलिक चिंतन की अभिव्यक्ति स्वभाषा से अच्छी किसी भी भाषा में नहीं हो सकती। ये हमने समझ कर रखना चाहिए। ढेर सारे शिक्षाविदों ने प्राथमिक शिक्षा और बच्चे की ग्रहण शक्ति पर जितने भी अध्ययन किए हैं, वो सारे अध्ययन एक ही बात को इंगित करते हैं कि बच्चा
स्वभाषा में जो ग्रहण कर सकता है वो बच्चा आगे जाके मौलिक चिंतन कर सकता है। और मित्रों, जो मौलिक चिंतन कर सकता है वो ही अनुसंधान कर सकता है, और जो अनुसंधान कर सकता है वो ही क्षमता प्राप्त कर सकता है। ये पूरी श्रृंखला को भाषा के बगैर पंगु बनाने का काम आगे चलने वाली सरकारों ने किया है। मोदी जी ने एक भी शब्द बोले बगैर विश्व में जहां जहां भी मंच मिला, गौरव के साथ हिंदी में पूरे विश्व को संबोधित किया है। और मैं कह सकता हूं कि विश्व के मंच पर अंग्रेजी बोलने वाले सारे नेताओं से ज्यादा वजन से अगर किसी को सुना गया है तो मेरे और आपके नेता, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, क्योंकि उन्होंने अपनी भाषा में अपनी बात रखी थी, इनकी अभिव्यक्ति सटीक थी, मन की गहराइयों से आती थी, दिल की गहराइयों से इनकी अभिव्यक्ति आती थी, इसलिए इसकी स्वीकृति भी ज्यादा आई। मैं आज अभिभावकों को भी, बच्चों के अभिभावकों को भी एक बात करना चाहता हूं। मेरी बात मानकर आप बच्चों के शिक्षा का माध्यम तो एकदम बदलेंगे नहीं, मुझे मालूम है, परंतु कम से कम ठीक है ना भाई, कोई बात नहीं, ये समय भी आ जाएगा, मगर कम से कम अपने घर में बच्चों से बातचीत की भाषा अपनी रखिएगा। अगर बातचीत के माध्यम से भी राजभाषा सिखा दोगे, बातचीत के माध्यम से भी गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयाली सिखा दोगे बच्चों को, तो वो बच्चा अपना रास्ता आगे ले देगा, क्योंकि पूरा देश ही करवट बदल रहा है, तो आपका बच्चा भी इसके साथ जुड़ने वाला है। तो मेरा अभिभावकों से बहुत आग्रह है कि एक बार बच्चों को उनके सुनहरे भविष्य के लिए अपनी भाषा जरूर सिखाएं। जब तक आपका बच्चा स्वभाषा नहीं सीखता है, वो देश की संस्कृति से नहीं जुड़ सकता, देश के इतिहास को नहीं समझ पाएगा, और देश की संस्कृति को इतिहास से जुड़े बगैर वो ये देश के नहीं जुड़ पाएगा, जिसकी जड़ें इस देश से नहीं जुड़ सकती। इसलिए मैं अभिभावकों को भी ये कहना चाहता हूं कि आपके बच्चे को आप स्वभाषा जरूर सीखें। मित्रों, आज यहां पर एक हिंदी से हिंदी बृहत शब्दकोश, जिसका नाम हिंदी शब्द सिंधु रखा है, इसका पहला संस्करण लोकार्पण किया। मित्रों, आज जो बात मैं करने जा रहा हूं, इसमें हिंदी के खाटी विद्वान शायद मुझसे मतभेद करेंगे, मैं उनको करबद्ध निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे भाव को जरूर समझो। मित्रों, हिंदी को अगर लोकभोग्य बनाना है, देश और दुनिया में स्वीकृत बनाना है, तो हिंदी के शब्दकोश को बृहद बनाना है, बहुत विस्तृत बनाना है। कोई भी भाषा दूसरी भाषा के शब्द लेने से लघु नहीं होती है, वो गुरु होती है, बड़ी होती है। हमने भी हिंदी को लचीली बनाना पड़ेगा। हिंदी को लचीली बनाए बगैर हिंदी को हम आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। दुनिया का नियम है, संसार का नियम है, जो समय के साथ नहीं बदलते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। हिंदी को स्वीकृत बनाना पड़ेगा। अनेक भाषाओं से इसमें हमने शब्दों को लिया है जो आज की बोलचाल के शब्द बन चुके हैं, इसको हिंदी ने भी स्वीकारना पड़ेगा। हिंदी के शब्द को भी दुनिया की 70 से ज्यादा भाषाओं ने स्वीकारा है, हमने भी ये बड़प्पन दिखाना पड़ेगा। भारत की स्थानीय भाषाओं के सारे शब्दों को, जो हिंदी के आम बोलचाल के शब्द बन चुके हैं, इसको स्वीकार कर ये बृहद हिंदी शब्द सिंधु का संस्करण आज लोगों के सामने रखा है। मेरा हिंदी के विद्वानों को, देश भर के हिंदी के विद्वानों को करबद्ध निवेदन है, बड़ा मन रखकर, बड़ा हृदय रखकर हिंदी के भले के लिए ये शब्द कोश को स्वीकार करिएगा। आपकी स्वीकृति के बगैर वो आगे नहीं बढ़ता। जब तक हम हिंदी को लचीला नहीं बनाएंगे, हिंदी को सर्व स्वीकृत नहीं बनाएंगे, हम हिंदी को आगे नहीं बढ़ा सकते। और यहां पर संस्करण एक इसलिए लिखा है कि इसके आगे और भी संस्करण आने वाले हैं। आने वाले दिनों में विज्ञान का सारा अभ्यासक्रम
हिंदी में बनने वाला है। मेडिकल विज्ञान का सारा अभ्यासक्रम हिंदी में बनने वाला है। टेक्निकल अभ्यासक्रम, इंजीनियरिंग का अभ्यासक्रम पूरा हिंदी में बनने वाला है। ये सारे अभ्यासक्रमों को लोकप्रिय बनाना है तो हिंदी को भी लोकप्रिय बनाना पड़ेगा। कानून की भाषा अगर हम हिंदी चाहते हैं, कानून की भाषा स्वभाषा चाहते हैं, तो हमने कानून की भाषा के कुछ शब्दों को भी हमारे शब्दकोशों में स्थान देना पड़ेगा। स्थानीय भाषाओं के शब्दकोश बनाने वाले विद्वान को भी मेरा निवेदन, अगर हम कोर्ट की भाषा, कानून की भाषा हमारी गुजराती बने, मराठी बने, पंजाबी बने, बांग्ला बने, ये चाहते हैं, तो कुछ शब्द को हमने स्वीकार कर इसको बृहद बनाना पड़ेगा और राजभाषा ने भी ये करना पड़ेगा। इसलिए इस शब्दकोश को हमने पूर्णतया डिजिटल और खोज परक बनाने का काम किया। ये डिजिटल है और खोज परक भी है, तो विभिन्न विषयों पर, जनसंचार के विषय में, मेडिकल साइंस के विषय में, खेद पुल के विषय में, अंतरिक्ष विज्ञान के विषय में, भौतिकी रसायन और भूमिति के विषय में, गणित के विषय में, ढेर सारी शब्दावली को इसके अंदर समाहित की। कानून के भी, कोर्ट की बोलचाल के बहुत सारे शब्दों को इसके अंदर हमने समाया है, क्योंकि जब फैसलों का अनुवाद करने का समय आएगा, फैसलों को राजभाषा में अनुवादित कर उसको देने का समय आएगा, तब ऐसा न हो कि कोई शब्द मिले ही नहीं। इसको बहुत गहन मेहनत कर बनाया गया है। मैं हिंदी के विद्वानों को अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बृहद शब्दकोश को आपका आशीर्वाद भी मिले, समर्थन भी मिले और आप इसको जनता के बीच में बड़े उत्साह के साथ ले जाइए, इसका उपयोग भी बढ़ाइए, ये अनुरोध करने आया हूं। मित्रों, इसरो ने, मैं इसरो के चेयरमैन और उनकी पूरी टीम को हृदय से बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि इसरो की पूरी यश गाथा को काव्य गाथा के रूप में राजभाषा में प्रकाशित कर एक बहुत बड़ा काम इसरो ने किया है और इसरो की यश गाथाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक काव्य गाथा एक जरिया बनने वाला है, इसका मुझे विश्वास है। कंठस्थ 2.0 इसका भी आज हमने विमोचन किया है। कंठस्थ 2.0 बोलने वाली हिंदी सिखाने का एक बहुत बड़ा साधन आने वाले दिन में बनेगा। राजभाषा विभाग ने सीडेक पुणे के सहयोग से मशीन साधित अनुवाद प्रणाली कंठस्थ तैयार की थी, ये इसका दूसरा प्रसंस्करण आज आप सबके सामने रखा है और मैं चाहता हूं कि हम इसी का भी प्रचार प्रसार करें। मैं खुद इसके लिए एक पूरी प्रचार की श्रृंखला भी बनने वाली है, मैं खुद इसको देख रहा हूं, परंतु देश भर के हिंदी भाषियों ने, देश भर के हिंदी प्रेमियों ने विशेषकर अपने बच्चों को हिंदी सिखाने के लिए एक कंठस्थ 2.0 प्रसंस्करण को बहुत लोकप्रिय बनाने की जरूरत है। मुझे विश्वास है कि सभी लोग इसके लिए हमें सहयोग करेंगे। मित्रों, हमारा देश भाषाई रूप से बहुत समृद्ध देश है, अनेक बोलियां हैं, अनेक भाषाएं हैं और होना चाहिए। हर भाषा अपने आप में एक समृद्ध भाषा है। बहुत सारी भाषा तो इतनी समृद्ध है कि जिसकी विश्व में जोड़ नहीं है। इस प्रकार की भाषा की समृद्धि वाला देश है। मैं इसको हमारे देश का कोई त्रुटि नहीं मानता, ये हमारी बहुत बड़ी ताकत है। हमारी संस्कृति को, हमारी परंपरा को, हमारे साहित्य को इन भाषाओं ने संभाल कर रखा है और इस भाषाओं के माध्यम से हमारे देश के लोगों को, इस की जड़ों को इस देश के साथ जोड़ने का। आज एक बात मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूं, कुछ लोग अपप्रचार कर रहे हैं कि हिंदी और गुजराती स्पर्धक, हिंदी और तमिल स्पर्धक, हिंदी और मराठी स्पर्धक है। हिंदी देश की कोई भाषा की स्पर्धक हो नहीं सकती, हिंदी देश की सभी भाषाओं की सखी है, ये बात आप मानकर चलिए।
और मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं हिंदी के समृद्ध होने से इस देश की सारी भाषाएं समृद्ध होगी और इस देश की सारी भाषाओं के समृद्ध होने से हिंदी ही समृद्ध होगी। इस बात को सब लोगों ने स्वीकार करना चाहिए और सब लोगों ने समझना भी चाहिए। जहां तक भाषाओं के सह अस्तित्व को हम नहीं स्वीकार करते हैं तब तक अपनी भाषाओं में अपना देश चले वो सपने को हम सिद्ध नहीं कर सकते। और मैं बहुत मन से कहना चाहता हूं कि हर भाषा को हर बोली को जिंदा रखना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, हर भाषा को हर बोली को समृद्ध करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए और ये सभी भाषाओं की समृद्धि से ही हिंदी समृद्ध हो सकती। मैं आपको बहुत स्पष्टता से बता रहा हूं 2010 तक मैं गुजरात के राजनीतिक क्षेत्र का कार्यकर्ता था। गुजरात तक मेरा क्षेत्र सीमित था, मैं राष्ट्रीय राजनीति में नहीं था। 11 से मैं राष्ट्रीय राजनीति के अंदर गया। मैं आज बहुत विश्वास के साथ और बहुत अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूं अगर मैं गुजराती माध्यम में न पढ़ा होता तो राजभाषा इतनी अच्छी से बोल नहीं पाता। मुझे हिंदी सीखने में सरलता इसलिए रही है कि मेरी पढ़ाई लिखाई गुजराती माध्यम की स्कूल में हुई है, गुजराती माध्यम की शाला में मेरी पढ़ाई लिखाई हुई, इसी के कारण मैं हिंदी को इतनी जल्दी सीख पाया। मेहनत तो करनी पड़ती है परंतु सीखने में बड़ी सरलता होती है। और मेरे पास दो ऑप्शन थे, हिंदी सीखना या अंग्रेजी सीखना। हमारे बहुत सारे नेताओं ने कहा कि इतनी मेहनत कर रहे हो तो स्पीकिंग इंग्लिश के लिए क्यों मेहनत नहीं कर रहे हो। मैंने कहा मैं बोलूंगा तो मेरी भाषा में ही बोलूंगा और मैं जो बोलूंगा वो मेरे काम के आधार पर पूरा देश सुने। और मित्रों मैं आपको मेरा अनुभव कहता हूं, अगर मैं राजभाषा न सीखा होता तो देश को मेरी बात में नहीं समझा सकता। मेरे पार्टी के काम के लिए किसी भी देश राज्य में गया मुझे अपनी बात समझाने में बहुत सरलता रही क्योंकि मैं हिंदी में बोलता था। अगर मैं अंग्रेजी में बोलता तो इतनी सरलता से न समझा पाता। हाँ कुछ दिल्ली में बैठे हुए पंडित लुकियन में जो देश को भविष्य लिखते वो जरूर समझ जाते, मगर मैं वो पंडितों को भी कहना चाहता हूं अब देश का भविष्य भी भारतीय भाषा में बोलने वाले लोग ही लिखने वाले। मित्रों मैं इसलिए कहना चाहता था कि मेरा खुद का अनुभव है और ये अनुभव बहुत मजबूत अनुभव के आधार पर मैं निर्णय पर पहुंचा हूं कि स्वभाषा में जो बच्चा पढ़ता है वो राजभाषा सरलता से सीख लेता है और स्वभाषा और राजभाषा जो बोल लेता है उसको देश जल्दी समझता है। ये सारी चीजों को हमने संज्ञान में लिया। हमारा आजादी का आंदोलन, अगर हमारे आजादी के नेताओं ने राजभाषा का उपयोग न किया होता, स्वभाषाओं का उपयोग न किया होता तो आजादी का आंदोलन इतनी जल्दी से कभी विस्तार न हुआ। उस समय के सारे नेताओं के आप भाषण सुने, मैंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के कुछ भाषण सुने जो मेरी पार्टी के संस्थापक हैं, टूटी फूटी हिंदी बोलते थे मगर हिंदी बोलने में कभी श्यामा प्रसाद जी ने संकोच नहीं लगाया, धड़ल्ले से हिंदी बोलते थे, टूटी फूटी हिंदी थी मगर उसकी बात आज पूरा देश समझता। हम जैसे कई कार्यकर्ता उसमें से सीख कर आगे बढ़े। मित्रों उस वक्त हमारे आजादी के आंदोलन के सारे नेताओं का मत था कि स्वदेशी भाषा और स्वभाषा के अलावे स्वराज की कोई सार्थकता नहीं है, वो कई लोगों ने उद्घोषित किया था। विनोबा भावे और काका साहब कालेलकर जैसे लोगों ने अपना पूरा जीवन हिंदी और स्वभाषाओं पर न्योछावर कर दिया था मित्रों, और मैं मानता हूं कि वो सही रास्ते पर थे। भाषा की समृद्धि वो संस्कृति का स्वतंत्रता का बीज है, ये वाक्य लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने पहले सार्वजनिक गणेश उत्सव में कहा था कि भाषा की समृद्धि ये स्वतंत्रता का बीज है। अपनी भाषाओं पर बोलने के लिए बहुत डटकर हमने आगे बढ़ना चाहिए, वो उन्होंने कहा था। मित्रों हिंदी हमेशा समावेशी भाषा रही। सुभद्रा कुमारी चौहान की
झांसी की रानी हो या माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्पति अभिलाषा, मैंने उसको मलयाली में भी पढ़ा है, जान नहीं पाया। मैंने पूछा क्या है, उन्होंने कहा माखनलाल चतुर्वेदी की पुष्प की अभिलाषा है। मैंने बोला यहां कौन लेकर आया कि अनुवाद हुआ है। मैंने उसको आसाम में भी पढ़ा है और मैंने उसको तमिलनाडु में भी सुना है, तमिल में भी। मित्रों हिंदी समावेशी भाषा है, आगे हमें इसको, इस संदेश को हमने आगे बढ़ाना है। मित्रों आप आजादी का इतिहास देखोगे तो अंग्रेजों को हमारी स्वभाषा और राजभाषा की कई कविताएं और कई साहित्यों को बैन करना पड़ा, उस पर प्रतिबंध लगाना पड़ा। मुंशी प्रेमचंद के कहानी संग्रह को, साजे वतन को प्रतिबंधित करना पड़ा। और ऐतिहासिक रिकॉर्ड मैंने निकाला तो आश्चर्यजनक बात है, हिंदी की 264 कविताएं, उर्दू की 58 कविताएं, तमिल की 19 कविताएं, तेलुगु की 10 कविताएं, पंजाब और गुजरात, पंजाबी और गुजराती में 22 कविताएं, मराठी में 13 कविताएं, सिंधी भाषा में 9 कविताएं और उड़िया में 11 कविताएं, बांग्ला में 24 कविताएं और कन्नड़ में 1 कविता को प्रतिबंधित किया था। यही बताता है कि आजादी के आंदोलन को राजभाषा और स्वभाषाओं ने कितना बड़ा बल दिया था कि अंग्रेजों को ये भाषाओं के साहित्य को प्रतिबंधित करना पड़ेगा। मित्रों अन्य भाषा भाषी जो हमारे नेता थे उन्होंने भी राजभाषा को बहुत महत्व दिया। महात्मा गांधी, बांग्ला भाषी आचार्य केशव चंद्र सेन, राजा राम मोहन राय, रविंद्रनाथ टागोर, सुभाष चंद्र बोस, मराठी भाषी लोकमान्य तिलक, वीर सावरकर, विनोबा भावे, डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर, पंजाबी भाषी लाला लजपत राय, तमिल भाषी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, ये सभी ने समय समय पर राजभाषा के महत्व को इंगित भी किया, उसको उद्घोष भी, उसका उद्घोष भी किया और उसको प्रसारित भी किया। क्योंकि वो सब जानते थे कि अगर हम देश की भाषा नहीं बदलते हैं तो देश का शासन बदलने का हमारी कल्पना जो है वो अधूरी रह जाएगी। मित्रों अभी गुजरात के मुख्यमंत्री ने उल्लेख किया, सत्यार्थ प्रकाश, जब स्वामी दयानंद सरस्वती को पूछा गया कि आप वेदों पर और बाकी सारे धर्मों पर इतनी बड़ी आपका विश्लेषण लिख रहे तो संस्कृत में क्यों लिख रहे हैं, हिंदी में क्यों लिख रहे हैं, उन्होंने बहुत स्पष्टता के साथ उल्लेख किया था कि वेदों को और मेरे सभी धर्मों पर के विश्लेषण को अगर मैं लोकभोग्य बनाना चाहता हूं तो केवल और केवल हिंदी के माध्यम से भी ही हो सकता है। और इसीलिए उन्होंने सत्यार्थ प्रकाश को हिंदी में लिखने का काम किया था। मित्रों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो मैंने आगे कहा उसमें ढेर सारे प्रावधान स्वभाषाओं में करने वाला एक पूरी श्रृंखला मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने रखी हुई है। शिक्षा का माध्यम कम से कम 5वीं कक्षा तक और बन हो सके तो 8वीं कक्षा तक स्वभाषा में होना चाहिए। राजभाषा को समाहित करते हुए त्रिभाषा का सूत्र भी इसके अंदर दिया गया है। उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा और छपी हुई सारी सामग्री स्वभाषा में होनी चाहिए। सांकेतिक भाषा का मानकीकरण किया गया है और 10 राज्यों के 20 इंजीनियरिंग कॉलेजों को अब तक इसके अभ्यासक्रम को भारतीय भाषाओं में बदलने की कार्यवाही लगभग पूरी हो चुकी है। हिंदी, तमिल, कन्नड़, तेलुगु, मराठी, बंगाली और गुजराती अभी शुरू है। मेडिकल साइंस का पूरा अभ्यासक्रम, उसके पहले सेमेस्टर का पूरा अभ्यासक्रम मध्य प्रदेश सरकार ने हिंदी में अनुवादित कर दिया है और अगले शैक्षणिक सत्र से इसमें पढ़ाई लिखाई भी शुरू हो जाएगी। मित्रों बहुत बड़ी बात है, हम कोटों की भाषा को भी स्वभाषा में कोट को काम करें, न्यायालय हमारे काम करें, इस दिशा में हम आगे बढ़ना चाहते हैं।
गांधी जी ने एक बार एक अंग्रेजी पत्रक महिला पत्रकार को साक्षात्कार दिया, उसमें एक बात कही थी कि मुझे अगर अकेला छोड़ दिया जाए तो मैं दो ही काम कर सकता हूं, एक तो जितनी मुझ में शक्ति है उतना सूत कातने का प्रयास करूंगा और बाकी के समय में राजभाषा को हिंदी को सीखने के और इसको समृद्ध बनाने का प्रयास करूंगा। बहुत सोच समझकर रोजगारी और स्वभाषा से देश का पुनर्निर्माण, ये दोनों संकल्पों को महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया है। मित्रों, ये भारत, इसकी अगर संधि को विद्वान देखेंगे तो भारत का रथ भाषाओं का रथ होता है, ये भाषाओं का रथ है। हमने हिंदी को साथ में रखकर हमारी स्वभाषाओं को भी मजबूत करना पड़ेगा। हमने विदेशी भाषा से उत्पन्न होने वाली विदेशी सोच की जगह स्वभाषा से उत्पन्न होने वाली स्वदेशी सोच और इसके आधार पर हमारे नीतियों को बनाना पड़ेगा, हमारे कार्यक्रमों को बनाना पड़ेगा और हमारे देश को भी आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कहा था कि मातृभाषा की उन्नति के बिना राजभाषा की प्रगति संभव नहीं है। हर मातृभाषा को मजबूत करते हुए, हर स्थानीय भाषा को मजबूत करते हुए राजभाषा को ताकत देने के लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं सभी हिंदी प्रेमियों को इतना विश्वास दिलाता हूं कि गृह मंत्रालय में राजभाषा जो विभाग है वो पूरी तत्परता और तन्मयता के साथ हिंदी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा है। अनेक विविध काम शुरू हो रहे हैं। कोरोना के कारण थोड़ी हमारी गति मंद रही परंतु अब गति आ गई है। 2 साल के अंदर ही आप बहुत सारे नए नए प्रयोग भी देखेंगे, नए नए फैसले भी देखेंगे और स्वभाषा के साथ राजभाषा को मजबूत करने का जो हमारा स्वप्न है उसको हम पूरा होते देखेंगे। आज देश भर से हिंदी के बहुत सारे विद्वान यहाँ पर आए हैं। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि संकोच रखे बगैर धड़ल्ले के साथ स्वभाषा के उपयोग को जोर से बोलिए, स्वीकृत हो इस तरह से बोलिए और दुनिया में विशेषकर युवाओं में इसको स्वीकार करने का। जब तक भाषा की यह लघु ग्रंथि को हम छोड़ नहीं देते इस देश की क्षमता का उपयोग हो ही नहीं सकता। अंग्रेजी में इस देश के 6% से ज्यादा बच्चे नहीं पढ़ते, उनके अंदर कोई क्षमता नहीं पड़ी है ऐसा नहीं है, मगर जो वो फर्राटे की अंग्रेजी नहीं बोलते हैं राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर उनको मंच नहीं मिलता है। अगर हम स्वभाषा और राजभाषा को वो बच्चों को एक मंच देने का माध्यम बनाते हैं तो देश की 100% क्षमता का उपयोग होगा। आप मानिए कि 6% क्षमता में आज देश यहां पहुंचा है, 100% क्षमता का जिस दिन उपयोग होगा इस दिन देश विश्व में होगा, विश्व में सर्वप्रथम होगा और महान भारत की रचना का हमारा स्वप्न भी पूरा होगा। यही मोदी जी का संकल्प से सिद्धि का जो कालखंड है, हमारा अमृत काल, इसमें आज के दिन लेने का संकल्प है। मेरी आप सभी से करबद्ध निवेदन है कि हम इस अभियान को अब मुखर कर बोले, मुखर कर अभिव्यक्त करें और मुखर कर इसकी स्वीकृति लाने का प्रयास करें। यही अभ्यर्थना के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं। वंदे मातरम, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद मान्यवर। भारत माता की, आप ही के शब्दों में वीर नर्मद की इस भूमि से चलिए कदम बढ़ाएं, वीर